नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। सिर्फ 7 महीने चली इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार, 2 साल में ही होने वाला है चौथा चुनाव। नए कोरोना को लेकर रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट ने दिया है चौंकाने वाला बयान, कहा जर्मनी में भी हो सकते हैं नए कोरोना के वेरिएंट मरीज। कोरोना के नए टाइप को लेकर एम्स ने किया खुलासा, कहा ना ब्रिटेन का वायरस आया है और ना ही यहां का वायरस बदला है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड को भारत में जल्द मिल सकती है मंजूरी, नए साल की शुरुआत में है फैसले की उम्मीद। किसान संगठनों ने प्रदर्शन को तेज करने का किया ऐलान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की घेरेबंदी हुई शुरू। उत्तर प्रदेश के नोएडा में महामाया फ्लाईओवर के पास फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग, आग से बड़ी संख्या में फर्नीचर जलकर हुई खाक। किसान दिवस के मौके पर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने यज्ञ करके मांगी सरकार के सद्बुद्धि की दुआ, यहां पिछले 20 दिनों से सड़क बंद कर धरने पर बैठे हैं ये किसान। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक लड़ाई एक बार फिर हुई हिंसात्मक, पूर्वी मिदनापुर में भिड़े टीएमसी के समर्थक और शुभेंदु अधिकारी। एमपी बोर्ड परीक्षा में गड़बड़ी के चलते 10वीं 12वीं के 3 लाख स्टूडेंट नहीं भर पाए एग्जाम फॉर्म, अब देनी पड़ सकती है 10 गुना लेट फीस। महान स्पिनर विशन सिंह वेदी ने डीडीसीए की सदस्यता छोड़ी, फिरोज शाह कोटला मैदान पर डीडीसीए के दिवंगत अध्यक्ष अरुण जेटली की प्रतिमा लगाने के फैसले से है खफा। केरल में 24 घंटे में आए 6000 कोरोना केस, महाराष्ट्र से लगभग 2 गुने हुए केरल के केस। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर पीएम नरेंद्र मोदी किसानों से फिर करेंगे संवाद, घर घर जाकर कृषि कानून के बारे में बताएगी बीजेपी। चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच फायर एंड फ्यूरी कॉर्पस की एक दिवसीय यात्रा पर लेह पहुंचे भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, अग्रिम मोर्चा का लिया जायजा। बिहार पुलिस के एक सिपाही को एक महिला पुलिसकर्मी के साथ दुष्कर्म के आरोप में किया गया गिरफ्तार, पति के शिकायत के बाद हुई आरोपी की गिरफ्तारी। रिपब्लिक टीवी पर यूके ने लगाया 20 लाख रुपए का जुर्माना, प्रसारण मानदंडों के उल्लंघन का है आरोप। आईपीएल में शामिल हो सकती है 2 नई टीम, इस मामले पर कल होगी बीसीसीआई की सालाना बैठक। जय शाह बन सकते हैं आईसीसी में बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव, आईसीसी में भारत के नए प्रतिनिधि और 3 नए सिलेक्टर्स के चयन पर भी हो सकता है फैसला। कंगना रनौत के मणिकर्णिका फिल्म डिमोलेशन पर बीएमसी से मांगा गया जवाब, महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने बीएमसी कमिश्नर को भेजा सम्मन। अमेरिका के न्यूजर्सी स्टेट ने बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र को दिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बने धर्मेंद्र। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कैंसर की एक रिपोर्ट के मुताबिक रात में देर से भोजन करने वाले लोगों में बढ़ सकता है कैंसर का खतरा, ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर की हो सकती है बीमारी। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल और घंटी को भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।